अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी स्पेगेटी। हमें चाहिए होगी ये स्पेगेटी, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, पास्ता या नूडल भी कह सकते हैं। 2 लीटर पानी लेकर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड करके स्पेगेटी को बॉयल करने के लिए रख देंगे। 6 से 7 मिनट तक बॉयल करके इसे ड्रेन कर लेंगे। याद रहे कि इसे हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। पैन में ऑयल ले लेंगे 2 टेबलस्पून और पैन में इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं। कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून और 1 अदद हरी मिर्च को चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे, फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे, जो कि है 1 पाव के करीब। चिकन स्लाइसेस को अच्छी तरह से सौते करेंगे, यहाँ तक कि अपना रंग बदल ले, थोड़ा सा सफ़ेदी माइल हो जाए। लहसुन अदरक की खुशबू इस पे हावी हो जाएगी और इसकी सारी हीक ख़त्म हो जाएगी। चिकन के ये स्लाइसेस ना टूटें और बिल्कुल कीमा ना बन जाए, इसके लिए हम इसमें सिरका ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। स्लाइसेस को सॉफ्ट और टेंडर करने के लिए हम इसमें 1/2 प्याली पानी ऐड करेंगे और ढाँप के इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, जब तक के पानी ड्राई नहीं हो जाता। चार से पाँच मिनट तक हमने हल्की आंच पे पकाया, चिकन के पीसेस टेंडर हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग कैरेट यानी कि गाजर ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून, ताकि ये साथ ही थोड़े से पानी जो रह गया है उसमें टेंडर हो जाए। 1 मिनट के लिए हमें गाजर को ढाँप के थोड़ा सॉफ्ट और टेंडर कर लेना है। लें जी, हमारी 2 चीज़ें यानी कि चिकन और गाजर जो थोड़ी सख्त थे वो टेंडर और सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इसमें सॉफ्ट सब्जी ऐड करनी है, यानी कि कैप्सिकम और कैबेज। दोनों सब्जियां 1/2 प्याली के करीब होंगी, आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जो आप पसंद करते हों। बारी है अब जायका डिवेलप करने की, तो हम इसमें नमक ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जा रही है इसमें 1 टेबलस्पून, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जा रही है इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब आप आंच को तेज़ रखेंगे, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस जो हैं वो सारी तेज़ आंच पे अच्छी पकती हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब मैं टोमेटो केचप ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून, इसे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हर चीज़ को अच्छी तरह से स्टर फ्राई करते हुए आपने मिक्स भी करते जाना है। फाइनल स्टेप पे हम अपनी स्पेगेटी ऐड कर देंगे, जो हमने बॉयल करके स्ट्रेन करके रख ली थी। और अब फाइनल स्टेप पे हम करेंगे इसकी टॉसिंग। सब्जियों, चिकन और स्पेगेटी को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएं और मज़ेदार सी स्पेगेटी हमें खाने को मिल जाए। लें जी, हमारी अच्छी सी चिकन स्पेगेटी हो गई है जल्दी से तैयार। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़।